शराबा पुलिस को देखकर, पुलिस का नाम सुनकर आम आदमी में एक खौफ या फिर एक भय का वातावरण व्याप्त होता है। लेकिन कुछ दिनों से यह और एनआरसी को लेकर सराफा थाना पुलिस अच्छी खासी परेशानी में है। रोजाना 24 घंटे जामा मस्जिद में हो रहे प्रदर्शन में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले जामा मस्जिद के एक छोटे से विवाद में कुछ पुलिस वालों को अपनी नौकरी भी गंवाना पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी सराफा थाना प्रभारी अमृता सिंह सोलंकी ने जहां अपने ड्यूटी के साथ साथ एक महिला होने का भी फर्ज निभाया है। उज्जैन शेख परिवार के बच्चे गुम हो जाने के बाद उन्हें ताबड़तोड़ अपनी दोनों ड्यूटी को बड़ी खूबी से निभाते हुए देखा गया। उज्जैन के दंपत्ति को उनके मासूम बच्चे तक पहुंचाया गया। उज्जैन से आई दंपत्ति मीनाक्षी गुण वहां अपने बच्चे के साथ इंदौर सराफा घूमने आई थी, लेकिन सराफा ऐसी सकरी गलियों में है जिसके कारण उनका मासूम कहीं खो गया था। उन्होंने तुरंत थाने पर सूचना दी। वहीं थाना प्रभारी अमृता सिंह सोलंकी, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही इंदौर में पदस्थ हुई है, वहीं वह एक महिला भी है, जिस कारण से एक महिला का दर्द वह अच्छे से समझती है। उन्होंने ताबड़तोड़ अपने पूरे स्टाफ को सक्रिय होने को कहा और कुछ ही घंटों में उज्जैन परिवार के मासूम को उनके परिवार से मिलाया गया। चीनो, चीनो स्कूल जाता है? कौन सी स्कूल है? स्कूल है। नाम बताए स्कूल का? नाम बताओ। अच्छा, कैसे जाता है स्कूल? हाथ पकड़ के। तेरे दोस्त का नाम क्या है? भैया। ओहो, ये किसने दिलाया है? तो ये तो हमको दिलाते ही नहीं कभी। तेरे पापा क्या करते हैं? बैंक में। पापा का क्या नाम है? आपका ही है? कैसे माने? चीनू नाम है इसका। इसका नाम चीनू है। कहाँ रहते हैं आप? उज्जैन में। आप कौन है? आपके पति क्या करते हैं? बिजनेस है हमारा, मछली का। ये कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये वंडर प्ले। बैठ जाइए। तो इसके पिताजी बैंक में नौकरी नहीं करते? बैंक तो मेरे फादर हैं। अच्छा, फादर के साथ रहती हैं क्या? नहीं, मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। बैंक तो इसके पापा पेमेंट डालने जाते, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मैं बैंक जा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला क्या? आप कैसे प्रमाणित करेंगे आपका बच्चा है? तो लाओ मोबाइल में दो चार फोटो तो दिखाओ इसकी। मोबाइल मेरा वही। अच्छा, ये कौन है बेटा? और ये कौन है? ये कौन है? अरे, मैं तो शॉप पे था, ये शॉप पे आते। अच्छा, शॉप पे मार्केट से आया उनके साथ। अच्छा अच्छा, तुम लोग तो कार से आए थे ना? कार से। तुम यही रह जाओ, मम्मी साथ नहीं जाना। हम ये अंकल तुम्हें खिलौना भी दिलाएंगे ना, और रह जाओ, ठीक है? मुझे होता क्या है कि सराफा बड़ा व्यस्तम क्षेत्र है। अभी सोना चांदी का व्यापार भी होता है, मीना बाजार भी है, तो यह महिलाएं ज्यादा आती है। और महिलाएं आती हैं तो बच्चे खोते भी हैं। अब उनको तुरंत अगर आधे घंटे पौने घंटे में हम लोग चाइल्ड लाइन पहुंचाएंगे तो माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो हमारे थाने का ये आरक्षक है जेवेंद्र, इसकी आदत है कि जब भी कोई बच्चा रोता हुआ दिखता है तो पूछता है माता पिता कहाँ है और नहीं है, तो टॉफी दिलाता है, कुछ खिलाता पिलाता है, कुछ खिलौना दिलाता है, थाने लाता है। तब तक अमूलन ये होता है कि एक आध घंटे में उसके माता पिता ढूंढते हुए उसको आ ही जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग संबंधित उसके बच्चे का वीडियो वायरल करके बताते हैं कि कहीं कुछ बच्चा गुमा है क्या या कुछ हुआ है क्या। और ऐसा अभी तक मेरे अपने कार्यकाल में 3 बार ऐसा हुआ कि ये बंदा लाता है बच्चे को, बच्चे बड़े इसके साथ खुश भी रहते हैं। और आज तो जो बच्चा आया था हमारा, वो इसकी मम्मी को मैंने पूछा कि इसको यहीं रख ले, तो वो अपनी मम्मी तरफ देख रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ क्या, मतलब इतना खुश था वो बच्चा। मैं जहाँ से टूटी लगती मेरे खाने से, लाज बड़ा भीड़ थी मेरी, मैं भ्रमण कर जाता इसे, तो बच्चा रो रहा था तो मैंने पूछा इससे, भाई क्यों रो रहा है? तुझे बता मम्मा घूम गई। तो मैंने बोला चुप हो जा भाई। तो उसने बोला मैं ये को टॉयस चाहिए, उसके बाद चुप हो जाऊँगा। तो मैंने टॉयस लाया और एक टॉफी लगाई, चुप हो गया। मैं ला के यहाँ थाने लाया सराफा, मैडम को सूट कर दिया, मैडम को बताया। ऐसा कितनी बार कर चुके हैं आप? 3 बार हो गए।
क्या जब बच्चा यहाँ पर आपके पास आता है तो आप किस तरह से उसको, क्योंकि बच्चा नए व्यक्ति को देख के आमतौर पर रोता है, तो किस तरह से उसको चुप करते हो? मेरा भी एक बेटा है छोटा, तो उसके हिसाब से मैं हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा, किस तरह से हैंडल करते हैं? कुछ जैसे मैं बात करता हूँ, पहले वो बात करेगा मुझसे, फिर सेकंड हैंड करूँगा मैं उससे, उससे पूछूंगा बेटा तुझे क्या चाहिए, क्या नाम आपका, मम्मा का नाम क्या, क्या करते हो आप, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका नाम होता है जी।